हेलो गाइस, वेलकम टू द एचएमडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वेनम के रिव्यू रिएक्शन के बारे में। आप सभी जानते हो कि इंडिया को छोड़कर ये मूवी कुछ कंट्रियों में रिलीज हो चुकी है और इसके जो रिव्यू आए हैं वो काफी खराब आए हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इंडिया की तरफ से, सिर्फ इंडियन फैंस के लिए, कि आप किसी भी बात का यकीन ना करें, क्योंकि अभी जो हाल ही में रिव्यू आए हैं वो उनके अपने पर्सनल रिव्यू हैं। हम अपने रिव्यू अलग से देना चाहेंगे, क्योंकि मैं वेनम का काफी टाइम से वेट करना चाह रहा हूँ और उसके जो रिजल्ट आए हैं वो काफी बुरे आए हैं। तो मैं खुद आपसे ये पर्सनली नहीं कहना चाहूंगा कि आप खुद मूवी देखें और उसके रिव्यू खुद डिसाइड करें, और देन बात करते हैं कि वो रिव्यू है क्या। तो टोमेटो कंपनी यानी कि वो टमाटर वाली कंपनी ने 28% इसको बताया है, इसके रिव्यू को, और इस मूवी को खराब ही बताया गया है। और भी जो कंपनी है वो उस रिव्यू को बहुत ज्यादा खराब बता रही है, पर IMDb पे इसमें 10 में से 7.0 रेटिंग मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है। 7.0 इस अच्छा है, काफी अच्छा। और देन मैं तो बस आपसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने अभी पर्सनल कोई रिव्यू देना नहीं चाहता, पर जो रिएक्शन आया रिव्यू का बहुत बुरा आया है, तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कल आप मूवी देखने जाएं 5 तारीख को कोई भी शो, और देन अपना पर्सनल रिव्यू खुद दें और डिसाइड करें कि आपके हिसाब से ये मूवी कितनी बेटर है, और देन मैं मूवी देख ही अपने रिव्यू देना चाहूंगा। मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता। और आपके लिए एक पर्सनल मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप वेनम मूवी की जो टिकट बुक करें वो बुक माई शो से ना करें, पेटीएम से करें, क्योंकि पेटीएम आपको 200 रुपए कैशबैक दे रहा है, जिससे कि आपको फायदा होगा, आप मूवी मात्र 50 रुपए में देख पाओगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर करंट के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।